तो ये देखिए, इतनी सारी मलाई इकट्ठा हो गई है और मैं तो टेंशन में हूँ कि मैं इसे कैसे निकालूंगी इससे मक्खन, क्योंकि ये बहुत बड़ा भगोना है और इतनी सारी मलाई। तो चलिए इसे निकालना शुरू करते हैं और मैं इसे बिना हैंड ब्लेंडर के निकाल के दिखाती हूँ आपको कि अगर आपके पास मलाई बहुत ज़्यादा हो गई है तो आप उसे कैसे निकालें। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ और मैं आपको अभी दिखाती हूँ। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है और आपके पास बहुत सारी मेरी तरह मलाई इकट्ठा हो गई है, तो मेरे पास तो फिलहाल हैंड ब्लेंडर है, लेकिन आज मैं हैंड ब्लेंडर से इसको नहीं निकालूंगी। आज मैं आपको बहुत ही अच्छा तरीका बता रही हूँ मलाई निकालने का। तो मैं ले रही हूँ एक मिक्सी का जार और आपको क्या करना है, इसमें लेनी है मलाई। तो ये बहुत सारी मलाई है, मैं तो टेंशन में हूँ कि मैं इसे कैसे निकालूंगी। काफ़ी टाइम से ठंड की वजह से मैंने मलाई नहीं निकाली, क्योंकि सर्दी बहुत लगती है इस वक्त। तो इसमें ले लेंगे हम, इस तरीके से ऐड करेंगे मलाई को। तो ये देखिए मैंने इसमें ले ली है और मैं इसमें डालूंगी पानी। हमें ऐसे नहीं इसको भी निकालना है, इसमें हमें पानी को बराबर ऐड करना पड़ेगा, तभी इसमें बहुत अच्छा सा मक्खन निकलेगा। तो मैं इसको बंद करके मिक्सर ग्राइंडर में आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, अभी देखिएगा क्रीम हमारी बन के तैयार है और बस कुछ सेकंड और लगेंगे और एकदम बाहर अलग। तो ये देखिए सारा मक्खन निकल के अलग हो गया है। तो देखिए कितना इजी है तरीका निकालने का। आप फटाफट, अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसी से निकालिए, इजी हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं है तो देखिए, जो मैंने पानी डाला था वो सारा अलग हो गया है और हम इसे ऐसे चलाएंगे और सारा मक्खन एकदम अलग हो गया है। तो देखिए है ना बहुत कमाल की ट्रिक मिक्सर से निकालना मक्खन, तो आप भी इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अभी और भी थोड़ा सा मक्खन निकाल के दिखाती हूँ इसी तरीके से। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने मिक्सी से कितना सारा मक्खन निकाल के रखा हुआ है। तो आपको पता है कि बिना ब्लेंडर के भी मक्खन निकालना बहुत इजी है। तो आप भी इस तरीके से बहुत सारा मक्खन मिक्सर से निकाल सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपके लिए यूजफुल रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप कहेंगे तो मैं इसे घी बनाकर भी दिखाऊंगी।